सो फाइनली आज मैं जाने वाला हूँ गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा अलीबाग के लिए। और आप लोगों को ये जो स्पीड बोट दिखाई दे रहे, हर एक स्पीड बोट का फेयर है ना चार्जेस अलग अलग है। और जो भी चार्जेस रहेंगे वो आप लोगों को जो कांटेक्ट नंबर मैं दूंगा वो कांटेक्ट नंबर पे आप लोग बात करके पूछ सकते हो उनको कि क्या क्या चार्जेस रहेंगे, उस हिसाब से आप लोगों को बोट हायर करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ताज होटल के बाजू में ही है 5 नंबर जेटी करके, यहाँ पर आप लोग आज आकर स्पीड बोट हायर कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप लोग है ना हाफ एन आवर बोट राइड के लिए भी स्पीड बोट हायर कर सकते हो, उसका जो भी चार्जेस रहेगा वो भी आप लोगों को कॉल के ज़रिए मालूमत मिल जाएगी। सो चलो आज की राइड हम लोग स्टार्ट कर लेते और खूब इंजॉय करते। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखो, स्किप बिल्कुल मत करो, पूरा वीडियो देखो, आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से रहोगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गेटवे ऑफ इंडिया से आप लोग मांडवा अलीबाग स्पीड बोट से कैसे जा सकते हो। तो आप लोग गेटवे ऑफ इंडिया में आने के बाद 5 नंबर जेटी है वहाँ पर आ सकते हो। वहाँ पर आने के बाद आप लोगों को स्पीड बोट मिलेगी और स्पीड बोट के चार्जेस है ना आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग बात करके पूछ सकते हो कि स्पीड बोट का फेयर कितना है, क्योंकि हर एक बोट है ना अलग अलग क्वालिटी का है, कैटेगरी का है। तो जैसे 4 आदमी का है, 5 आदमी का है, 2 आदमी का है, तो इस हिसाब से वो आपको फेयर बताएगा कि कितना चार्जेस है उसका। तो अभी फ़िलहाल है ना आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि जितने भी यॉट है ना, ये यॉट भी चंद यॉट है ना, इसमें से पार्टी के लिए यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आकर पार्टी भी कर सकते हैं यॉट में, और उसका जो भी चार्जेस रहेगा वो आप लोगों को उसी कॉन्टेक्ट नंबर पर पता चलेगा, आप लोग कॉल करके आ सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, बर्थडे पार्टी रहेगा या फिर आपका जो भी प्रोग्राम रहेगा तो आप लोग यहाँ पे आकर कर सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा के लिए, और स्पीड बोट से ना आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस के अंदर आप लोग पहुँच सकते हो। वही अगर आप लोग आज जाएंगे अजंडा की फेरी बोट से या फिर PNP मालदार अपोलो इस बोट से जाएंगे ना, तो अजंडा की फेरी बोट 1 घंटा लगाती है पहुँचने में और मालदार PNP 45 मिनट में पहुँच जाती है। लेकिन ये स्पीड बोट है ना आप लोगों को 15 से 20 मिनट के अंदर मांडवा में पहुंचाएगी। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट कर। अब आपके सामने जो यॉट दिखाई दे रहा है ना, ये यॉट आप लोग बुक कर सकते हो और 1-2 घंटे का राइड रहता है। तो और सुबह के वक्त मॉर्निंग में भी ये यॉट आप लोगों को मिल जाएगी और इवनिंग में भी शाम के वक्त भी मिल जाएगी। और सुबह सुबह को मॉर्निंग में ना आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है वो सनराइज़ है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मौसम है आज का, क्लाइमेट देखो, थोड़ा फॉग है। और आगे जो आप लोगों को रिग दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे सामने जो पानी के अंदर खंभे दिखाई दे रहे, ये ऑयल रिग है ONGC की, तो ये पानी के अंदर से ऑयल निकालने का काम करती है, लेकिन अभी यहाँ पर पार्किंग में खड़ी है। तो मस्त सीनरीज दिखाई दे रही है सुबह के वक्त मॉर्निंग में। और अपने बोट की स्पीड देखो क्या है, ज़बरदस्त स्पीड है, बहुत तेज़ बोट चल रही है और बोट चलाने को भी है ना बहुत मज़ा आ रहा है। तो गेटवे ऑफ इंडिया से ना मांडवा के लिए 20 मिनट बहुत ही हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट में आराम से आप लोग पहुँच सकते हो मांडवा जेटी के पास, और वहाँ से फिर आधे घंटे के अंदर आप लोग अलीबाग में पहुँच सकते हो। तो देखो अभी सामने जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है मांडवा है, मांडवा जेटी, तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी मांडवा जेटी के पास। अब यहाँ से ना आप लोगों को मैं ऊपर जाके बताऊँगा कि आप लोगों को कहाँ पर जाने का है, ओके। और यहाँ पे सामने देखो अभी आप लोगों को रेड कलर की जो बोट दिखाई दे रही है, ये मालदार बोट है, मालदार कंपनी की बोट है, मालदार कैटामरन, और ये सुबह में मॉर्निंग में निकलती है 8:30 बजे गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा के लिए। इसमें भी आप लोग आ सकते हैं, 250 रुपीज़ पर पर्सन AC का चार्जेस है, और उसके बाद अपर डेक का अलग चार्जेस है और लोअर डेक का अलग चार्जेस है। सो चलो जाता हूँ। सो फाइनली अभी पहुंच चुका हूँ मांडवा जेटी के पास, और यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप लोग मालदार लगी हुई है, ये गेटवे से निकलती है 8:30 बजे और यहाँ पे पहुँच जाती है समझो 9:15 तक पहुँच जाती है, क्योंकि 45 मिनट के अंदर ये बोट पहुँच जाती है।
और PNP अजंता अपोलो, ये सर्विस में ना सब मालदार PNP अपोलो सर्विस के अंदर आप लोगों को बस भी इंक्लूड रहता है टिकट के अंदर। और यहाँ से ये मांडवी जेटी के पास से ना आपको अलीबाग में जाना रहता है, तो वहाँ पर बस रहती है पार्किंग में खड़ी, तो बस में बैठ के आप लोग अलीबाग में जा सकते हैं। सो चलो अभी जाता हूँ थोड़ा ऊपर। हाँ, मांडवा जेटी के सामने जो सामने आप लोगों को जेटी दिखाई दे रही है, ये M2M फेरीज की जेटी है। यहाँ पर M2M आके रुकती है और यहाँ से पैदल आप लोगों को जाने का रहता है, लेकिन M2M फेरी में ना आप लोगों को ना बस मिलने वाली है और ना ही ऑटो रिक्शा, आपको ये सब कुछ है ना पे करके जाना पड़ता है। जेटी के पास से ना आप लोगों को ये छोटी 4-व्हीलर दिखाई दे रही है, ये सीनियर सिटीज़न के लिए रहती है, तो इसमें आप लोग सीनियर सिटीज़न बैठ के आगे तक जा सकते हो। इस 4-व्हीलर से उतरने के बाद है ना आप लोगों को बस में जाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस छोटा सा डिस्टेंस है आप लोगों को बस के पास पहुंचने के लिए। और आप लोगों को अगर वॉशरूम वगैरह जाने का है तो राइट साइड में आप लोगों को वॉशरूम मिलेगा, वहाँ पे आप लोग वॉशरूम के लिए जा सकते हो इस तरह। अभी मैं एग्जैक्ट है ना मांडवा जेटी के बाहर आ चुका हूँ, यहाँ से आप लोगों को प्राइवेट कार मिल जाएगी, ऑफिस रिक्शा मिल जाएगी अलीबाग जाने के लिए, लेकिन स्पीड बोट से आने वाले या फिर ऐसे प्राइवेट से आने वाले ना वो लोग को एक्स्ट्रा पे करके अलीबाग में जाना ही रहता है। और यहाँ पे सामने देख सकते हैं PNP का ऑफिस, मालदार का ऑफिस, अजंता का ऑफिस, इस तरफ सब ऑफिस है। और यहाँ पे राइट साइड में ना कुछ ऐसे शॉप है, वहाँ पर आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। सो फाइनली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी रहेगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्सलाम।